नमस्कार पेला आशा करु समस्ते रे बहुत भल ही करी बा। तो प्राय मुत रिविजन करीतीक पढ़ाई थी से थे ही क्वेश्चन आसी तो आई एमें देखीद आंसर कौन रही आंसर किस जान कि आम जी जाचे आनसर प्राय सबू ठीक ही मुझे तो से गुड़ाक सब आम देखीद ठीक है श्यामनाथ क्यों माँ से कुर्सी पर बैठने को कहता है कहीं ना जदि माँ निदर बसीज তহ'লে ক' কৰিব ন ঘুগুৰি মাৰিব ত' বি ভিতৰত কনফিউজ থণ হ'ব ডি হ'ব নিমচে বচনেকে লি শ্যামনাথ শ্যামনাথ কোঁ মাছে কুৰ্চিপাৰ বেটনে ক'ৰ কৈ থে শ্যামনাথ কাষকি কৈছিল না নিদৰু বঞ্চিব কাৰণ নিদৰে সেই যদি বছি যাব তেনে ঘুঙুড়ি মাৰিব এ আও ডি ভিত কনফিউজ হব ভাবুচি আনচৰ ডি কৰি কণ হ'ব ডি হ'ব ঠিক অঁ कौन साइन बोर्ड लगाकर कंपाउंडर से डॉक्टर बन गया आंसर <coughs> कौन हब आंसर यहाँ डी सुखदेव बाबू जे कि कंपाउंडर रू डर हो जाए चूल्हा फूंकने पर भी आग न जली तो उस व्यक्ति ने क्रोध में आकर क्या किया से व्यक्ति जनक क्रोध की कौन करपसन बी आंसर चूल्हे में पानी डाल दिया तो फर्टी फोर कौन रही का मुँह धोकर क्या कलेऊ में खिलाती है तो कौन माँ ताक अष्टावक्र को खुवा रात की बची हुई रोटी रात की बची हुई यदि चाट जदि चाटा तो डी आंसर किंतु जेहेतु ताजा बनाई गई चाट अच्छी यहाँ आंसर भी केवीब आंसर कौन हम बी हे यार आंसर ठीक अच्छे फर्टी फाइव देखा कौन अच्छी कंदर पर यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया तथापि वह किसका पर्यायवाची है गंदर्व कह पर्यायवाची शब्द गंधर्वर रोच पर्यायी ठीक है कौन पुकार रहा है मुझे पोस्टमैन है क्या पेंशन का ऑर्डर आ गया यहाँ किए कहीटा बहुत ही सहज क्वेश्चन तो आंसर कौन हा डी है बहरा आंसर भोला राम के जीव के ठीक अच्छे तो तापर कौन रही फोर्टी सेवेन रही महाराणी विक्टोरिया का घोषणा पत्र कब निकला था या रिविजन क्लास रे तो आंसर कौन हे यार आंसर यारसर अठर अठरश अठावन मसीह ठीक है कालिंदी चरण अपने दल में क्या समझे जाते हैं <coughs> आंसर कौन हाँ एव यार ठीक अच्छे एटा मु रिविजन क्लास रेली तो यहाँ कौन हाँ यार आंसर उदार व्यक्ति से थिले कौन ना उदार स्वभावर थी दल भरे ठीक अच्छी गाय करुणा की कविता है ऐसा किसने कहा था एटा किए कह थे महात्मा गांधी ने कहा था आंसर हो फिफ्टी देखिए बा उसकी पहुंच सब कहीं है वह कितनी व्याप्त है और ऐसी बिची रहती है कि, कि किसी को उसने शिकायत उससे शिकायत नहीं होगी यह बात किसके लिए कही गई है यहाँ कहाँ पर कह जाए है यहाँ मध्य रिविजन क्लास रे थी यहाँ कौन है जी? आंसर हब बी ठीक है जी भाबू जी मैंने सब आंसर ठीक करें थी ठीक अच्छे प्राय सब रिविजन क्लास्रु आ कुमारगिरी ने विशाल देव से सर्वप्रथम क्या छोड़ने को कहा कौन कह कौन बापाई से छाड़ापे वाससना छाड़ आंसर हम कौन सी हे यार आंसर ठीक अच्छे फिफ्टी टू देखा पंडित जी ने प्रायश्चित के लिए बिल्ली किससे बनवाने की बात कही यहाँ रिविजन क्लास कौन ना सोनारे या बिलई देवाई गई जना पड़ा जलई बं एवं से पढ़ा तो आंसर यार कौन है यार है बो? है बो है यारो। आंसर ठीक अच्छे कौन सी रचना कालिदास के नहीं है रघुवंश कालीदास रचना अभिज्ञान शाकुंथल कुमार संभव मध्य ठीक अच्छे कादंबरी हे कादास रचना नुहे किसके हृदय में चाणक्य के प्रति वाल्य का, वाल्य काल से अनुराग चला आ रहा था ठीक अच्छे आंसर यार कौन हे आंसर है बो? सी यार आंसर सुभासिन ठीक अच्छे कौन सुखदा कि माँ थी यहाँ मु रिविजन क्लास रे आंसर ठीक अच्छे रेणुका देवी होखदा माँ थी प्राय सब मुझुची रिविजन क्लास रु ही आसीच्ची तो आप प्राय ठीक करें बोलिके आशा कर जोत और अम्मी कार से स्कूल जाते हैं तो बंटी कैसे जाता है बंटी क्यों थे जा बस द्वारा से आंसर कौन हाब बी है आंसर फिफ्टी सेवेन कौन अरहर के खेत में गौरे किसकी इज्जत लूट चुके थी कह इज्जत लूट चुके थे मुन्नी की आंसर हे डी ठीक है जी फिफ्टी एटर आंसर कौन हाँ सिंदूर की होली किसकी रचना थी सिंदूर की होली कह रक्ष्मीनारायण मिश्री सिंदूर की होली फिफ्टी नाइन कड़ोजी <coughs> बहुत दिनों के बाद लेखक ने जब रजिया को देखा तो पाया कि उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए हैं वह यह नौजवान कौन था से नौजवान किए था रजिया रो पति था ठीक है सिक्सटी देखिए वीर सिंहमित्र की कन्या का नाम क्या था सिंहमित्र रन्या किए था मधुलिका था ठीक है आंसर हब ए यार आंसर सिक्सटी वन कौन रही कवि को दूब की एक हरी पत्ती कहाँ देखी जाती है यहाँ मुजन क्लास रे आंसर कौन हे एव यार शिशु के टुकड़ों के बीच पर ठीक अच्छे साधु ऐसा चाहिए जैसा सुप आंसर कौन हम डी आंसर, ठीक अच्छे सिक्सटी टू पर देखा सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री कौन रही जी? निरा सड़क के किनारे पर पत्थर तोड़ने वाली एक मजदूर मजदूरन मजदूर को देखा इलाहाबाद के पथ पर मैंने देखा एटा आंसर कौन हो बी है, है आंसर वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर आत्मा का अपमान करके मनुष्य किससे प्रेम करता है एटा मध्य मोखी प्रेम और छाया से प्रेम करता है सिक्सटी फोर आंसर कौन हो सी है यार आंसर कौन महाराष्ट्र की कुलदेवी थे यहाँ मुझे भवानी हूँ यार आंसर प्राय सब रिविजन क्लास एवं जीत मुझे तारी आ सिक्सटी सिक्स कौन रही बालाकृष्ण के अनुसार माँ उसे क्या नहीं खिलाती है माँ कौन तुम कहना कृष्ण को माखन एवं रोटी सिक्सटी सेवेन देख भरत जैसे भाई को क्या नहीं क्या नहीं हो सकता कौन हो पार भरत को संपत्तिर लोभ भरे भवन में नायक नायिका कैसे बात कर लेते हैं कमि कथाता था ये आंसर ठीक अच्छे बहुत दिनों के बाद कवि ने पक्की सुनहली फसल की क्या देखी मुस्कान देखी थे यहाँ कही ठीक अच्छे प्राय सबू ही रिविजन क्लास पढ़ेला बेले सब जो गुड़ाक इंपोर्टाटुक गुड़ा को ठीक है प्राय सब से ही आसी जो शी उठा सकते हैं तिमिर के राज में उन्होंने क्या किया कौन कर सिर झुकाए हैं आंसर हम डी ठीक अच्छे सेवेन्टी वन कौन वर्ग व्यंजन कतोटी बहुत ही इजी क्वेश्चन अच्छी ट्वेंटी फाइव क च टा बगर पांचो पाँचा लेखा है फाइव इंटू फाइव है ट्वेंटी फाइव ठीक थी? तो किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है ये क्योंठि परा उपसर्ग ना परादेशसर्ग नाहीिभीयस क्वेश्चन को थी थी थी। ठीक अच्छे परादेश हम किस स्थिति में ड के नीचे बिंदु लगेगा यहाँ इजी क्वेश्चन अच्छी आंसर पढ़ना ड तले बिंदी लगे ठीक अच्छे सेवेन्टी फोर रहा किस शब्द में दान प्रत्यय लगा है क्यों शब्द में दान प्रत्यय रही ए हे यार आंसर कलम दान रे दान प्रत्यय रही सेवेन्टी फाइव रे कौन रही सुरेश शब्द का संधि विच्छेद कीजिए जि सुर प्लस दीर्घ इ एवं स ठीक अच्छे कौन हे यार आंसर बी हे यार सही वर्तनी किस्म है ज्योत्स्नार सही वर्तनी क्योंटा अच्छे सी हे हेब यारसर अलग भी करें अलग कौन भी अप्सन जब चूज करें तेज भूल हम अपसन हम कौन सी हे हेब आंसर शुक्ल का पर्यायवाची शब्द क्या है शुक्ल ठीक अच्छे शुक्ल शुल्क जदि दे था बी था आंसर ठीक अच्छे जदि शुक्ल बोलिकी न पढ़ की शुल्क बोलिक पढ़ की टैक्स लिखे थे आंसर भूल हो तो शुक्ल अर्थ कौन डी हो शुक्ल अर्थ सफेद हिंदी में रु का उच्चारण किस प्रकार होता है हिंदी में रुरो उच्चारण केमी रि बोलिकी काजाई ये मुझे बहुत ही इंपोर्टाटा

हसनार प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन अप्सन सी हे हसाना लिंग परिवर्तन माली रो लिंग परिवर्तन कीजिए लिंग कले परीजिए मिंग परसवई दीर्घ ही जदि करें तेज भूल हम ऑप्शन डी हम ई हम ठीक अच्छे लरे रसई मालीन बोलिके हम विशेषण छाटीए विशेषण यूर के सुंदर हो विशेषण पद ठीक अच्छे ए हम आंसर एट्टी सेवेन रण खोक में मिलाना का अर्थ क्या है बर्बाद करना सी हे आंसर ठीक जी खोक में मिलाना का अर्थ क्या है बर्बाद करना मुँह में राम बगल में छुरी यार अर्थ कौन दिखाने के लिए मित्रता पर वास्तव में शत्रुता आंसर कौन हम ए हे आंसर ईश्वर भला करे यह किस प्रकार का वाक्य है यहाँ मध्यम रिविजन बेले कही ठीक थी है ईश्वर भला करे ये क्यों प्रकार बी हेब आंसर इच्छावाचक वाक्य ठीक विधु दसवी कक्षा में और राकेश आठवीं कक्षा में पढ़ते हैं ये अव्यय और अव्यय पदक अवय आपण सिलबस ना कि पकई दे ठीक अच्छे तो और यहाँ बेस किसी कष्ट ना तो भाव मैंने ठीक करें ठीक कर है नाइंटी वन कौन रही दुईटी आंब खाई आंसर कौन हम डी आंसर मेने दो आम खाए खाया हाँ मेने मेने तो आसब कितु खाए खाए या जेहेतु देजी एटा हबनी तो खाए हब मैंने दो आम खाए भीतर को आसीबा मना बहुत ही स्पेलिंग मिस्टेक आही बा लिखा जाय छी ठीक अछि तो आसीबा मना अंदर आना मना है 93 रे कोन रहै छी काली संध्या बेले मंदिर खोलिबो कल शाम को मंदिर खुलेगा आंसर कोन हबो सी हेबो 93 रो सी हबो ठीक अछि कहा को पुरस्कार मिलिबो 94 रे कोन रहै छी आ, कहा को पुरस्कार मिलबार आंसर कौन हम ए हेब आंसर इनाम इन किसको मिलेगा नाइटी फाइव रे कण रही बर्तमान वर्षा होता प्राय टाइम ये क्वेश्चन टाइम आसे तो यहाँ भाव ठीक करेंगे अभी बारिश हो रही है बारिश जेहे श्रीलिंग अच्छी हो रही है हो रहा है जो मैंने करेंगे सीटा भूल हे बो। तो आंसर कौन हे एव आंसर ठीक अच्छे तो नाइंटी सिक्स रे कौन रही जी? नाइन्टी सिक्स रही कविता पाठ में आदर्श सस्वर वाचन के बाद क्या किया जाता है तो आंसर कौन हम नाइंटी सिक्स सस्वर अनुकरण वाचन कविता पाठ आदर्श सस्वर वाचन आदर्श सस्वर वाचन किए कर शिक्षक करे आदर्श सस्वर वाचन शिक्षक करने छात्र कौन कर आदर्श आदर्श वाचन शिक्षक कलापर सस्वर अनुकरण वाचन छात्र मानते तो आंसर कौन हे बी यार आंसर ठीक अशी नीवन र की गृहकार्यके पहिले कोणसा काम गद्य पाठ में होता है गृहकार्यपे गृहकार्यपे प्रथम काम गद्य पाठ गद्यपाठर कक्षा कार्य दुटा होऊची सोपान पुन्हा वाचनमध्ये नुसर कण ही हे आनसर नेन्टी एट रे कन रहची व्याकरण पाठ पाठमे कोण सी विधी है? क्लास को तो आंसर मीजन क्लासिनस डी आगमन एवं निगमन होऊची व्याकरण पाठ रही थे तो आंसर हम डी नाइंटी नाइन रे कौन रही नाइंटी नाइन एवं नाइंटी हंड्रेड आप ठीक करेंगे तो सही देखिकी हिं कर ठीक करें साहित्य किसका सशक्त माध्यम है मानव मन को संपादित करने का आंसर हम ए तो रे कौन रही साहित्यकार किससे पाठक को अलौकिक अनुभूति कराता है ऑप्शन हम सी अपने ज्ञान और साधना से अनुभूति कराता है तो म भाभी जी अपन माने बहुत ही भलो करी दिबे कमेंट सेक्शन रा अपन माने जणईबे आपन को केते मार्किंग करले केते होची ठीक है थैंक यू